असली हसीना मलिक की पहचान लेकर नकली हसीना मलिक शहर को ठग रही है। चोर के घर चोरी, बिल्लू बना उल्लू। हसलो 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 तुम। अरे तुम्हारा उस नकली हसीना मलिक से पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए तुम हंस रहे हो। एक दिन उससे पाला पड़ गया ना, तब पता चलेगा वो चीज क्या है। वो अपना काम मक्खन में छुरी की तरह निकाल के ऐसे रफू चक्कर हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि बिल्लू कब बन गया उल्लू। अरे बिल्लू भैया ना कटा दी यार इन्हें। बिल्लू सुनो सुनो, अब सुनेंगे। आप जैसे लोगों से ही पाला पड़ा है नकली हसीना का, मेरे जैसे शार्प और इंटेलिजेंट लोगों से नहीं, समझ रहे हो? मेरे सामने आएगी ना तो यू पहचान लूंगी मैं। और ये जो असली और नकली में जो फर्क है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, समझ रहे हो? क्या बात है, क्या बात है संतोष जी, इतना टैलेंट। पहली बार हम आपको देखे थे तभी हम शोर हो गए थे कि आपके अंदर ना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। वैसे एक बात जान के ना हमको आज बड़ा अच्छा लगा संतोष जी की, आपको असली प्यार और नकली प्यार का जो फर्क होता है ना वो पता है। तेरा इशारा मेरी तरफ है चीते, इशारा क्या पूरा हाथ है तुम्हारी तरफ। अच्छा तो मतलब इसका प्यार असली और मेरा नकली। हाँ तो बेटा आज साबित करके बताना पड़ेगा तेरे को कि तेरा प्यार असली और मेरा नकली। साबित तो करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा तो बताओ। अरे बदनाम भैया, ये हरी मिर्ची चाहिए आपको, कहा की बहुत तीखी है ना, तो हमारे कुछ काम की नहीं है। अरे मेरे काम की है। हां चीते, दो मिनट के अंदर अंदर ही सारी की सारी हरी मिर्चें खा के बता और साबित कर कि तेरा प्यार असली और मेरा नकली। ओल है हिम्मत संतोष जी। अरे क्या 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 संतोष जी की तरफ क्या देख रहा है? इधर बेटा इधर देख। क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी, हो गई सारी हीरोगिरी फुस। एक काम कर तू निकल, मैं ही खाता हूँ सारी हरी मिर्चें। एक मिनट, हम खा रहे हैं ना। ओ, ओ, सुनो सुन, क्या पागल हो गए हो? बस संतोष जी, बस एकदम बस, एकदम बस। चीते। हाँ बिल्लू। चीते। हाँ बिल्लू। बेस्ट ऑफ लक। हाँ बिल्लू। ऑल द बेस्ट। चीते, चीते, चीते। बैठ के खा, हजम होगा। अरे एक मिनट, क्या चीते चीते? खा रहे हैं ना? चीते 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 चीते। खा लो। खा रहे हैं। है चड्डा, बड़ा वाला है वो तो तू है ही। बहादुर। हाँ हाँ हम भी तो है। कुछ भी गलत सोचते हो यार तुम, बहादुर है तू। अरे संतु जी, हाँ हमारा इस शहर के साथ यही तक का रिश्ता था रानी, हमारे ख्याल से ना हमारा यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, पकड़े गए तो भागते पड़ेंगे। निकलेंगे चंदू, निकलेंगे, लेकिन आखिरी बकरा फंसाने के बाद। अच्छा, पूरे शहर का पता चल चुकी है कि शहर की सड़कों पर एक नकली हसीना मलिक घूम रही है, ऐसे में कोई नई बकरा कहां से मिली? बहुत मुश्किल से बनाते हैं मीका, जो मजा बिगाड़ने में वो बनाने में कहां। मिल गया। कौन? ये बीके चोपड़ा। देखिए चोपड़ा। हाँ बोल रहा हूँ। मैं जब भी कहता हूँ, जो भी कहता हूँ, बस एक बार कहता हूँ, दोहराता नहीं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना।
क्या कर रही हो? इंतजार। किस बात का? ऑर्डर का। ऑर्डर चाहिए तुम्हें तो हमसे ले लो। घर जाती सबसे पहले पानी गर्म कर देना, जाती पहले नहाएंगे हम, फिर बढ़िया से तुलसी वाली चाय बना देना, हमारे सर में सरसों के तेल से मालिश कर देना, और आज पकौड़े बना देना। पता नहीं सुबह से पकौड़े खाने का क्यों मन कर रहा है, और राजमा तो भिगो के आए ही हैं हम, तो राजमा के साथ चावल बना लेना, खाने के लिए मजा आएगा। आपको नहीं लगता है पुष्पा जी उम्र के साथ साथ आपका याददाश्त भी ढलता जा रहा है? घर नहीं है ये, थाना है, यहाँ पे हम आपके सीनियर, आपका बहू नहीं। 6 बजे तक, सिर्फ 6 बजे तक ही आप हमारे सीनियर हैं और हम आपके जूनियर हैं। 6 बजे के बाद घर हो या खाना, हम आपके सीनियर हैं और आप हमारी जूनियर, यानी कि हम आपकी सास हैं और आप हमारी बहू। कंधे दर्द कर रहे हैं हमारे, जरा मालिश कीजिए। आइए आइए। मैडम 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 देखिए एकदम ठीक हो गया, हम बोले थे ना आपको इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, खाली थोड़ा सा सर्विसिंग करवाए और सेल चेंज करवाए, देखिए कैसे सुपर फास्ट चल रहा है। देखिए 5 बज रहा है, ठीक 5 बज रहा है, घड़ी में देखिए। अच्छा 5 बज रहा है, 6 नहीं बजा अभी तक? नहीं। अरे रे 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 पुष्पा जी, 6 बजा ही नहीं अभी तक। मैडम हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। पहले नहीं आ सकते थे तुम? वो हमें पता था हमें सिर्फ 5 ही बजे हैं। हाँ कसम से। हम आपके जूनियर हैं, हम सीनियर को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? आपको ऑर्डर चाहिए नहीं पुष्पा जी, हमें ऑर्डर चाहिए मैडम सर का, ऑर्डर चाहिए कि हम उस फेक हसीना को पकड़ के यहाँ पर लाए और उसको बताए कि वो किस इलाके में घुस के आई है और उसको सबक सिखाए हम अच्छे से। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैडम सर इतना सीरियस केस को ऐसे इतना लाइटली काहे ले रही हैं। जी सर हम समझ गए सर, एब्सोल्युटली सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह ऊपर से आपके लिए ऑर्डर आया है। जी मैडम सर हमें पता था, हम इसी ऑर्डर का वेट कर रहे थे। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अभी धर के लाते हैं उस फेक हसीना को और बताते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। जय हिंद मैडम सर। आप गलत समझ रही हैं करिश्मा सिंह, आप जो सोच रही हैं वैसा कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये कोई दूसरा ही मामला है। एक बिजनेसमैन है बीके चोपड़ा के नाम से, जिन्हें बहुत दिनों से एक लोकल गैंग से एक्सटॉर्शन के कॉल आ रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप उनके ऑफिस जाएंगी, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी और उसके साथ साथ इस लोकल गैंग के बारे में पता लगाएंगी। आप चाहे तो जीत और संतोष को अपने साथ ले जा सकते। लेकिन मैडम सर उसका क्या, जो नकली SHO बन के बाहर घूम रही है? घबराइए मत, उस केस को हम पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, आपको जो कहा जा रहा है वो करिए एंड प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स। रानी हमका ये बात अच्छा समझ नहीं आई। नहीं तुम ही बीके चोपड़ा को फोन पर धमकी दी, ई का मतलब अब लोगों को ऐसे लूटेंगे? रानी पकड़े गए ना तो बहुत ही पड़ेगी। अरे नहीं चंदो, हमने आज तक किसी को लूटा है जो अब लूटेंगे? हम ठहरे मासूम और इनोसेंट लोग है ना, लूटते तो वो लोग हैं जिनका नाम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी प्यारी मैडम हसीना मलिक जी। वही लूट रही है सबको, और ये चोपड़ा जी को भी वही लूटेंगी, लेकिन जज्बात के साथ। और इस काम में हमारा साथ देगा ये फोन। वो कैसे? क्या है ना चंदो, ये फोन भी हमारे ही जैसा है नकली, पर काम असली करता है। तो अब ये फोन बन जाएगा हसीना मलिक के फोन का क्लोन, वही नंबर वही आइडेंटिटी, बस हमारी तरह नकली। तो अब इस फोन से जिसको भी फोन जाएगा उसकी कॉलर आईडी पर लिखा आएगा हसीना मलिक। तो डार्लिंग चंदो, थोड़े भी कहा जाए तो तुम कह सकती हो कि हम हैं असली SHO हसीना मलिक और ये है हसीना मलिक का फोन। पकड़े गए ना बहुत सी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ए उस्मान,
इधर एक बिरयानी। पहले पैसे दो। अरे इकबाल यहाँ के पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? अरे मत करो, ये उस्मान बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देगा, निकल। क्या निकल? दो स्पेशल बिरयानी पार्सल देना, क्या बात। बिल्कुल सही बात। रुको, अब मियां उस्मान भाई अपने गांव गए। वाओ, इसी खुशी में बिरयानी खिला। पहले पैसे दो तब बिरयानी दूंगा। नहीं है पैसे मेरे पास, और नकली हसीना मैडम ने मेरे 2000 रुपए ना लूटे होते ना, तो आज ये तुम्हारा बिरयानी कॉर्नर हम खरीद चुके होते। 2000 में? 2000 पर मंथ ईएमआई पे। अच्छा चलो, इमोशनल ड्रामा मत करो, बैठो इधर, देता हूँ बिरयानी, लेकिन हाँ दोस्ती के नाते पैसे से देने की जरूरत नहीं, चल बैठो। मालिक हुआ हूँ ना नया नया। निकल। देखा इकबाल, आ गया ना औकात में। अरे निकल और बिरयानी ला। हाँ ठीक है बैठो। ईसा है क्या? दुकान हमारी है। हाँ मैडम, मैडम सर वो 2000 रुपए। बिल्लू तुम्हें अब भी यही लगता है कि वो पैसे हमने लिए थे? नहीं नहीं, मुझे उधार दे दीजिए, वो भूख लगी है ना, तो थोड़ी सी बिरयानी खा लेंगी। दो हजार की बिरयानी खाओगे तुम? नहीं नहीं, आज खाऊंगा, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, तो खत्म हो जाएंगे। वापस मत करना। मैडम सर आप मानो। क्या क्या कर क्या रहे हो? मैडम सर आप मानो, मैडम सर आप मानो। चलो तब तक फोन का ही डेमो लिया जाए। जी मैडम सर। जरा एक काम कीजिए, 5 किलो बिरयानी पैक करवाइए और यहाँ भिजवाइए, मैं यहाँ सामने वाली सड़क पे हूँ अपनी गाड़ी में। ठीक है ठीक ठीक, हम अभी लेकर आते हैं। थैंक यू। बदना भाई ये बिरयानी लो। इकबाल आज भी मैंने चेहरा की बिरयानी खाता नहीं। अरे वाओ ए भाई, हम मजाक कर रहे थे हम। बिल्लू मेरे भाई, हाँ ये जो 5 किलो बिरयानी है ना, ये बिरयानी हसीना मैडम को देके आओ ना, वो सामने वाली सड़क पे ना गाड़ी में बैठी हुई है। हाँ तो जल्दी जरूरी है। ठीक है बिल्लू मेरे भाई। आया बिल्लू मेरे भाई, आज मैं गरम करके खाऊंगा। बिल्ला मैडम सर ये 5 किलो बिरयानी। हाँ जी दीजिए। क्या? ओ बिरयानी के पैसे 2000 रुपए, वो इकबाल मांग रहा था, धंधा बहुत मंदा है ना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा वो ठीक है, एक काम कीजिए आप अभी अपने पास से दे दीजिए। दरअसल क्या है ना, हमारे पास थे पैसे, हम आपको वापस आकर देते हैं। आपके पास है ना 2000 रुपए? हाँ है ना, अभी अभी आपने दिए ना उधार, है दे देंगे। ठीक है हाँ। वापस लौट कर मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेना ही था तो दिए क्यों। मैडम क्या चल रहा है इस शहर में? अरे कायदा कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? कोई भी किसी को फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है। किसी को भी नहीं सर, सिर्फ आप ही को मिली है जान से मारने की धमकी। उफ़ ये मासूमियत। संतु जी आप इतनी हाँ, हाँ, बस सॉरी। देखिए आप... अरे आप देखिए मैडम, ये क्रिमिनल के हौसले जंगली बेल की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। हमको फोन करके कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए दीजिए वरना हमको जान से मार देंगे। अरे मतलब पुलिस कानून किसी का कोई डर ही नहीं। भरोसा नहीं है हम पर, हम हैं आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आप रिलैक्स रहिए। रिलैक्स? अरे मैडम यहाँ मेरी जान पे बनाई है और आप रिलैक्स होने को कह रही है? आपको क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे? आप तो कह देगी कि हमने चोपड़ा साहब को बचाने की कोशिश की लेकिन गोली इधर से उधर चली गई। आपके लिए तो छोटा सा एक्सक्यूज है लेकिन हमारी लाइफ तो टोटल फ्यूज। अम्मा इतना स्ट्रेस लेंगे ना आप तो गोली खाने से पहले ही ना, आपको जो ये स्ट्रेस है आपका जिंदगी से आपको उड़ा कर लेके चला जाएगा। योगा योगा कीजिए आप, योगा आपके लिए सही रहेगा। अरे लेकिन योगा से क्या होगा? योगा से ही होगा, दिमाग ना एकदम ठंडा रखता है। आप हमें देख रहे हैं ना, हमारा पर्सनल अनुभव है ये, देखिए रिजल्ट आपके सामने खड़ा है एकदम। ऐसा रिजल्ट? हाँ तो अभी तक आपने हमको इतना कुछ बोला लेकिन आप अपने पैर पे सही सलामत खड़े हैं ना, कुछ हमारी तरफ से आपको डैमेज नहीं हुआ ना, कुछ टूटा फूटा नहीं आपका, इससे बड़ा रिजल्ट आपको क्या चाहिए?
अम्मा योगा से बहुत कुछ होता है, आप कहाँ लगे पड़े चोपड़ा जी। आइए चोपड़ा जी, आइए आप भी ट्राई कीजिए। नहीं भैया, हमसे नहीं होगा ये। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा खोपड़ा साहब, सॉरी चोपड़ा साहब, है आराम से होगा, हम बताएंगे ना, रुकिए एक मिनट। खोपड़ा साहब सॉरी चोपड़ा साहब होगा, आराम से होगा, आइए चलिए आइए यहाँ पर कीजिए, आप कीजिए आराम कीजिए। आराम से कीजिए, हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। चीता हेल्प करो, आराम से। ए अमा टोप पाओगा तुम। देखो देखो फोन आया, ये उसी गैंग का फोन है, पैसे मांगने के लिए, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, आपका फोन नहीं बज रहा है, हमारी मैडम का फोन बज रहा है। ये तो हमारी सीनियर SHO हसीना मैडम का फोन आ रहा है। मैडम सर। हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। दीवान चौक पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है करिश्मा सिंह। दो नेताओं का जुलूस सामने सामने आ गया है, दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है, अच्छा खासा हंगामा हो गया है, लोग बेकाबू हो रहे हैं। आप फौरन वहाँ पहुँची और स्थिति को संभालिए। लेकिन मैडम सर चोपड़ा का क्या होगा? उनसे कहिए घबराए नहीं, उनका केस हैंडल करने हम खुद वहाँ आ रहे हैं, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है मैडम सर, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। देखिए हमको थोड़ा इमरजेंसी है, हमको यहाँ से जाना होगा। चीते नहीं, अरे क्या बात कर रही है मैडम, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं यहाँ अकेले, वो लोग पीछे से आए तो मेरी जान ले लेंगे। अम्मा आपके लिए ना हमारी सीनियर SHO हसीना मैडम स्वयं आ रही है प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीता चलो। एक मिनट, अरे खोपड़ा साहब सॉरी चोपड़ा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप प्रेस्टिक करते रहिए भाई। सॉरी मैडम सॉरी। आराम से खोपड़ा साहब, करते रहिए। अरे बाप रे। मिस्टर चोपड़ा। हाँ जी हाँ जी, आप ही शायद SHO हसीना मल्लिक है ना? हाँ हम ही हैं SHO हसीना मल्लिक, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। सीधे बात कर ले। अरे हाँ जी हाँ जी, हमें सीधे बात करना ही पसंद है, घुमा फिरा के बात करना हमें पसंद नहीं। मिस्टर चोपड़ा आप सीधे होंगे तो हम सीधे बात करेंगे ना? हाँ आइए। अरे मत, टोकना होगा तुम। मैडम जिस हिसाब से आप बाइक चलाती हैं ना, आपको पायलट होना चाहिए था। वैसे मैडम हाँ, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है, ना ही कोई जलूस है, ना ही कोई कार्यकर्ता है। क्या लेंगी, चाय कॉफी ठंडा? थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ठग हमारे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रही है, तो एक सजग नागरिक होने के नाते आप ये कंफर्म कर ले कि हम ही असली हसीना मलिक हैं या नहीं। ये लीजिए हमारा आई कार्ड, अच्छे से चेक कर लीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रही है मैडम, अरे हमारी जान बचाने कोई ठग थोड़ी आएगी। और आप ही की ऑफिसर कह के गई थी कि आप आ रही है, अरे इतनी जल्दी कोई ठग कहां से आएगी। अरे हमें पूरा यकीन है आप ही असली SHO हसीना मल्लिक है। आप ठीक से सुनी थी ना, दीवान चौकी बोला था ना? नहीं मुझे ऐसा लगता है शायद सुनने में ना प्रॉब्लम हो गई होगी, उल्टा सुन लिया होगा। रिजवान चौक बोला होगा मैडम सर ने, या फिर पहलवान चौक? नहीं नहीं, मेजबान चौक बोला होगा, या फिर शक्तिमान चौक। तुम दोनों चुप रहोगे? दिमाग का अदरक कूट दिया दोनों की दोनों ने, ये चौक वो चौक। दीवान चौक बोला था, बहुत अच्छे से याद है हमको, आगे चल के देखते।
संतु जी आप पकड़ के बैठिए, तुम आगे चलो हमारे साथ। क्यों परेशान हो रहे हैं मिस्टर चोपड़ा? तो और क्या करूं मैडम, मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? सोच तो क्या हुआ मैडम? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आपकी बातें सुनकर आंखें भर आई। अरे मैडम आप तो बहुत ही जज्बाती है। क्या करें, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो? वही तो। आपका डर बिल्कुल वाजिब है, आप डरिए। आप सोच रहे होंगे ना कि कैसी पुलिस वाली है, हमें प्रोटेक्ट करने आई है और खुद ही ऐसी बातें कर रही है। करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, काम है हमारा, ड्यूटी है, निभाएंगे, अपनी जान दांव पर लगाकर भी आपको बचाएंगे सर। पर क्या मैडम? कब तक सर? एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, कभी ना कभी तो हमें जाना पड़ेगा ना सर, फिर क्या होगा? कब, कहां, आप उनके निशाने पर आ जाए, किसने कहा है? ये आप बैठे डिनर टेबल पे, ये आया दम आलू का कौर मुंह में, और ये आई खिड़की से गोली, ये लगी आपके भेजे में, ये निकली आपकी चीख, ये रही आपकी लाश। खेल खत्म, कर्टन डाउन, दी एंड। नहीं नहीं मैडम प्लीज। कड़वी है पर सच्चाई है सर। तो अब क्या करें मैडम? तो दे दीजिए पैसे, 10 लाख जैसी छोटी रकम देकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खरीद सकते हैं, तो सौदा बुरा नहीं है। मैं किसे दूं? मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए आप चोपड़ा जी, अब बस पैसों का इंतजाम कीजिए, उन तक पहुंचाने का काम हमारा है, हमें कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमारे लिए किया है। आपके लिए नहीं सर, केवल जज्बात के लिए, जाइए। मैं पैसे लेकर आता। बहुत ही हल्के में ले रही थी हसीना मैडम आप हमको, अब आगे आगे देखो क्या होता है।